ज्वालामुखी ब्राह्मण सभा ने परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पर 19 बच्चों यज्ञोपवीत संस्कार करवाए। ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, वाइस चेयरमैन ब्राह्मण सभा डिंपल शर्मा, संदीप छोटेलाल व सदस्यों ने घनश्याम शर्मा, शास्त्री प्रकाश शर्मा सामूहिक रूप से परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर धूमधाम से भव्य आयोजन किया। इस अवसर पर विभिन्न जिलों अन्य क्षेत्रों से आए हुए बच्चों को सामूहिक रूप से यज्ञोपवीत संस्कार करवाए गए। इस अवसर पर बच्चों के परिजनों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ज्वालामुखी ब्राह्मण सभा ने इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया। ब्राह्मण सभा राज्य सदस्य डिंपल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्वालामुखी में परशुराम जयंती के अवसर पर 19 ब्राह्मणों के बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार सामूहिक रूप से डाला गया। ज्वालामुखी ब्राह्मण सभा हर वर्ष परशुराम जयंती के अवसर पर ऐसे ही आयोजन करती रहती है। इसमें ब्राह्मण परिवारों के बच्चों को संस्कार दिलवाए जाते हैं, उसके बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। अगले साल परशुराम जयंती के अवसर पर दुगना बच्चों के संस्कार करवाए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगर कोई गरीब ब्राह्मण बताया जाए तो उनके बच्चों को शिक्षा, अन्य कोई और भी कार्य है उसमें उनका सहयोग दिया गया है। ब्राह्मण सभा के वाइस चेयरमैन ज्वालामुखी ब्राह्मण सभा द्वारा आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया। इसमें ज्वालामुखी में 19 ब्राह्मणों के बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया और उसके उपरांत यहाँ धाम का आयोजन किया गया। धाम के आयोजन के साथ बस स्टैंड के पास एक स्टॉल लगा करके प्रसाद का वितरण किया गया। उसके साथ ही हम आगे योजना ये बना रहे हैं कि अगली बार इससे दोगुना बच्चों को मुंडन संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार हेतु बुलाया जाए और आगे भी ब्राह्मणों के हित में जो भी कार्य होंगे उसमें हम अग्रसर रहेंगे। जो भी ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण यदि कोई बताया जाए उनके बच्चों को विद्या के लिए या अन्य कोई भी कार्य है उसमें उनका सहयोग किया जाए। पीएलटीवी के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।